इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप आटा। तो इसको मैं आटा से बना रही हूँ, अगर आप मैदा का बनाना चाहें तो आप मैदा ले सकते हैं। 1/2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे से, और 1/2 कप हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर। शुगर को आप ग्राइंड कर लीजिए तो वो शुगर पाउडर हो जाता है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे पूरे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। और यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप पानी, पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं। और यहाँ मेरा होममेड अवन जो है प्रीहीट होने के लिए मैंने रख दिया था इसको 10 मिनट के लिए। आज मैं इसको मोमोज के डिब्बे में बना रही हूँ, बट नीचे नमक है, पानी नहीं है। तो रुको, इसको हम गर्म बहुत है, केयरफुली। तो नीचे इसमें नमक है गाइस, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पे आधा घंटे के लिए इसको हम बेक होने देंगे। 2000 years later गाइस, मैंने इसको निकाल के ठंडा कर लिया है। बीच की जो वीडियो क्लिप है वो गायब हो गई, और ये देखो मेरे स्टिक से इसको इस तरह हम करके देख लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो देखने से ही लग रहा है। देखने से लग ही रहा होगा कि बहुत अच्छे से बेक हुआ है। थोड़ा सा हम इधर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप बना रखा है, थोड़ा थोड़ा हम इसमें अच्छे से शुगर सिरप डाल देंगे। और इसमें हम क्रश स्ट्रॉबेरी डाल देंगे, हम इसमें डाल देंगे शुगर सीरम थोड़ा सा, ना साइड साइड में दिखे वो, बट नीचे का नहीं हुआ कोई बात नहीं। तीसरा लेयर रख देंगे, शुगर सीरम लगा देंगे। क्रस्ट स्ट्रॉबेरी, तो गाइस बताइएगा कि मेरी जो कोशिश है थोड़ी सी। और यहाँ पे मैंने कलरफुल शुगर पाउडर लिया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है आप नॉर्मल शुगर पाउडर में कलर डाल के इसको कलरफुल कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा समय इसमें ये देने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉबेरी ऐसे रख रही हूँ, और थोड़ा सा हम यहाँ पे वाइट शुगर पाउडर डाल देंगे। गाइस आपको ये केक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना अमेजिंग है, अमेजिंग है। तो गाइस पहला भोग मैं भगवान को लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसे चेक नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।